आज हम इस नए तरीके से अंडा बिरयानी बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं रीमा आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। आज मैं बनाऊंगी अंडा बिरयानी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए अंडा बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। अंडा बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। अंडा 10 से 12 इसे उबालकर छील लिए हैं और कांटे वाले चम्मच से इस सभी में छेद कर लिए हैं। सबसे पहले बासमती चावल को हाफ बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर 2 लीटर पानी को गर्म कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पर साफ पानी से बासमती चावल को धो लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 चावल को डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह चला देंगे, फ्लेम को तेज रखेंगे। इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए 4 से 5 मिनट हाफ बॉयल करेंगे। ये बासमती चावल हाफ बॉयल हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे पानी से छान लेंगे। सभी चावल को पानी से छान लिए हैं। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तेल को गरम कर लिए हैं। 4 से 5 प्याज को काट लिए हैं। अब इसमें डालकर फ्राई करेंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे। इसी तरह प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। सभी प्याज को निकाल लिए हैं। अब अंडा को फ्राई कर लेंगे। अंडा को फ्राई करने के लिए इसे तैयार कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1/2 चम्मच, 1 चम्मच दही। अब सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। सभी को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। इस तेल में अंडा डालकर फ्राई करेंगे।
सभी अंडा को डाल दिए हैं। अब इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सभी अंडा को फ्राई कर लिए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सभी अंडा को फ्राई कर लिए हैं। अब इस बचे हुए तेल में मसाला को तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची को तोड़ लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, जीरा 1/2 चम्मच, सभी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। एक मिनट प्याज को इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड इसी तरह भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। सभी को अच्छी तरह मिला देंगे। सभी को अच्छी तरह मिला दिए हैं। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें सभी मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, बिरयानी मसाला 1 चम्मच। सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। सभी को अच्छी तरह मिला लिए हैं। एक मिनट इसे इसी तरह भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। दही को अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। दही को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें 1 छोटा कटोरा पानी डालेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। नमक 1 चम्मच या फिर आप
अपना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ अंडा डालेंगे। सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 5 मिनट इसी तरह पकाएंगे। पांच मिनट हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें से आधा अंडा को निकाल लेंगे। आधा अंडा को निकाल लिए हैं। अब इसमें हाफ बॉयल किया हुआ एक लेयर चावल को फैला देंगे। अब इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। थोड़ी सी पुदीना पत्ती। 2 से 3 हरी मिर्च। अब इसके ऊपर से अंडा डालेंगे जो आधा निकाल कर रखे थे। अब इसके ऊपर एक लेयर चावल डालेंगे। अब इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। थोड़ी सी पुदीना पत्ती। तीन हरी मिर्च। अब इसके ऊपर 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। पांच मिनट हो चुका है। ये अंडा बिरयानी तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये अंडा बिरयानी बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले
सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।